भाई हमसे हर बंदा सिर्फ एक सवाल करता है, ओ डॉक्टर साहब आप क्या खाती हैं, आप इतनी फिट कैसे हैं, ओ तीन बच्चों के बाद आप इतनी दुबली कैसे हैं। मैं दुबली उबली नहीं हूँ लेकिन मैं फिट हूँ, और वो फिट जिस वजह से हूँ उसका मैं रीज़न बताने लेकर आ गई हूँ शाइस्ता'स किचन। अब इस किचन में आपको हर वो तरकीब मिलेगी जो मैं कभी सैलड में, कभी ग्रानोला में, कभी स्मूदी में, मुख्तलिफ चीज़ों में ले रही होती हूँ, और ये सब आप भी कर सकते हैं। इसलिए आइए, मेरा और आपका रिश्ता पुराना है लेकिन इस रिश्ते को एक मज़ीद खूबसूरत रंग देते हैं, तड़का लगाते हैं और करते हैं शाइस्ता'स किचन के नाम से। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत कोई इंग्लिश इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, जिसके लिए कोई आपको स्पेशल बजट रखना होगा। मुझे ये पता है कि मेरी बहनें और ख़ास तौर पर आजकल के महंगाई के दौर में जो हम सब पे गुजर रही है, मतलब एक फ्रूट चाट बनाना घर में इतना मुश्किल हो गया है, बैन तो करना चाहिए फ्रूट चाट को। एनीवेज, तो हम आते हैं सैलेड के ऊपर। लेकिन सारी वो चीज़ें जो आपके फ्रिज में अक्सर मौजूद होती हैं, बल्कि कभी कभी तो ये होता है कि खीरा सड़के जा रहा होता है, शिमला मिर्च एक छोटी सी कहीं से निकल रही होती है, सारी वो चीज़ें हैं जो आपको अपने घर से मिलेंगी। लेकिन साथ साथ इसके एक स्पेशल इन्ग्रीडियंट है और वो है शफक प्रीमियम कुकिंग ऑयल, क्योंकि मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। लेकिन इसमें ए, विटामिन ए, डी और ई, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो वाफिर मकदार में मौजूद है। और इसके साथ साथ चेरी ऑन द टॉप ये है कि ये ट्रांसफैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आराम से खाएं। सो आज हम जो देसी किस्म की सैलड बना रहे हैं ना, उसमें हमें क्या चाहिए होंगे, वो ये कि चिकन वाले के पास आप जाते हैं और जब चिकन लेते हैं, बाकी सारी जो गोश्त जिस भी तरह आपने यूज़ करना है, लेकिन जो ब्रेस्ट पीस है वो आप अलग करा लें, इस तरह करा लें, इस पर कट्स लगा लिए हैं, घर में भी कर सकते हैं क्योंकि चिकन का तो 5 मिनट का घुलना होता है और 5 मिनट में बन भी जाती है। और इसको हम मैरिनेट करेंगे बहुत ही सादा, चार पाँच चीज़ों से, कुछ भी नहीं है। ओके, मैं दिखा भी देती हूँ इंग्रेडिएंट्स। ये है पेपरिका, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल सकते हैं। ये है थोड़ा सा ऑरेगानो पाउडर, चिली फ्लेक्स, अगेन मुझे थोड़ा सा तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप मर्जी आपकी, जैसे भी आप डालना चाहें। ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं मैंने। पिंक सॉल्ट सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, पिंक सॉल्ट, ओनली एंड ओनली पिंक सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपने पिंच में लिया, जो जो मैं खाती हूँ मैं वैसे बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं चाहूँगी कि इसमें थोड़े से फ्लेवर के लिए हम, अच्छा तो होता है कि मैं पिंच में ले लूँ, लेकिन ये बदतमीज़ी लगेगी क्या? नहीं यार, जब हम ओरिजिनल प्रोग्राम कर रहे हैं और ओरिजिनल मैं सामने हूँ, तो बस फिर ये चुटकी ली आपने और ये आपने इतना सा धनिया पाउडर इसमें डाल दिया, ठीक है बस। अब और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हाथ बिल्कुल साफ हैं। सो ये मैंने इसको मैरिनेट कर लिया, ऑलरेडी कट्स इस पर लगे हुए हैं। सो थोड़ा सा और चाहें तो आप, मुझे मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती है तो हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन खैर अगर आप घर में बच्चे हैं और वो मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसको आपने 15 मिनट, हार्डली 15-20 मिनट, थोड़ा सा और डाल देते हैं यार, पेपरिका प्यारा लगता है ना, लाल लाल रेड, ठीक है। सो ये डन, हाथ गंदे ना हो, किचन में ऐसा हो ही नहीं सकता। शफक प्रीमियम कुकिंग ऑयल जो है वो इसमें डाला हुआ है। सब ये नई नई चीज़ें आ गई हैं, मेरी टीम ने कहा था स्प्रे करके दिखाएं, वरना मैंने तो ये खोलना था, यूं करके डालना था और ख़त्म, लेकिन दिखाएं ना, हम थोड़ी कूल हैं। सो बस दैट इज़ इट, इतने ही कुकिंग ऑयल की ज़रूरत होगी। और मत भूलिएगा ये कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट फ्री है, ठीक है। ये 15 मिनट के लिए हम मैरिनेट किए, आ जाएं आप जल्दी से कुक यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि सलाद, देसी मेरी सलाद के लिए क्या क्या चाहिए हमें। मेरी अम्मा जब सौदा लेती हैं सब्ज़ी वाले से, तो आपको पता है क्या करती हैं, पिछले कितने सालों से मैं उनकी आदत देख रही हूँ, अरे भाई ये तो ऐसे ही दे देते हैं। अम्मा आजकल के ज़माने में कोई ऐसे नहीं देता, मगर 2 मिर्चें ऐसे ही दे दो तो ये वो 2 मिर्चें भी हो सकती हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा खीरा, शिमला मिर्च, गाजर, अगर आप देखें गौर से तो ये बड़े कोई प्यारे से अंदाज में कटी हुई है, क्यूब्स की शक्ल में, और थोड़े से कॉर्न्स, स्वीट कॉर्न्स जो कि टिन पैक वाले होते हैं, वो वाले मैंने स्वीट कॉर्न्स लिए हैं, और थोड़े से ये ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक भी हैं आपके घर में तो चलेगा, नहीं भी हैं तब भी चलेगा, देसी सलाद है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि ओ शाइस्ता'स किचन में ये बताया था तो मैं इंग्रेडिएंट्स यही यूज़ करूँ। हाँ, अगर बिल्कुल सेम का सेम डिट्टो आपने जाना है तो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा लेमन जूस, देसी नींबू, मेरी अम्मा भी यही कहती हैं, इतने बड़े बड़े नींबू थे, नहीं वो गलत है, ज़्यादा बेहतर है देसी चीज़ें, चाइस छोटा है ये, बट दैट इज़ ओके, देसी, हमें ये तो यकीन है कि सही चीज़ खा रहे हैं हम, ठीक है।
राइट, इसीलिए जेन्युइनली आपको बता रही हूँ कि इसको करना क्या है। एयर फ्रायर नज़र आ रहा है आपको, मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मेरे और आपकी सेहत के लिए सही ना हो। तो हम जाएंगे और एयर फ्रायर के बारे में मैं थोड़ी सी मालूम आपको दे दूँ। ये मैंने एक ख़ास किस्म का बटर पेपर है जो एयर फ्रायर में प्रेफरेबली यूज़ करना चाहिए, ये देख लें आप, ठीक है। मैं यहाँ रखूँगी इसको, इसमें अब इन चिकन पीसेस को, ये गए, ठीक है। और इसकी सेटिंग 200 पे मैंने रखी हुई है, आप इससे ज़्यादा आगे जाने की कोशिश ना करना। कभी कभी जो बताया जाता है उस पर अमल कर लेते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि कहना ना माने। ओके, सो अब 15 मिनट पे हम इसकी सेटिंग कर देते हैं। तनन, इसलिए कि मेरी टीम ने कहा था ऐसे ज़रूर करिएगा, इसलिए मैंने किया, मैं क्या करूँ। अब बहरहाल हमारी चिकन तैयार हो चुकी है, इसको हमने ठक 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 यानी पीसेस में कन्वर्ट भी कर लिया है। अब हम बनाएंगे सैलेड। अगर ये खूबसूरत सी प्यारी सी डिश जो हमने ख़रीदी है वो आपके घर में ना हो तो ज़रूरी नहीं है, किसी में भी बना लें यार। अच्छा ओके, अब हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि खीरा ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है मेरे लिए बहुत है। होता यह है कि जब नेटफ्लिक्स देख रहा होता है बंदा या रात को भूख लगती है और दिल चाहता है कि कोई हल्का फुल्की सी चीज़ खा लें बीच में, ऑफिस के बीच में, तो मैं ज़्यादा कैलोरीज, क्योंकि फिर मैं यूँ करती हूँ, बहुत यौन करती हूँ फिर, तो इसलिए हल्की फुल्की चीज़ ईजी भी रहती है और खुशी भी होती रहती है ना, हाँ मैंने कितनी कम कैलोरीज ली, मैं तो दुबली रहूँगी टाइप, ये भी फीलिंग आती है। इस फीलिंग से बड़ी नेमत कोई नहीं है। और इसमें ये मैं गाजर भी, गाजर मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती, जूस सही लगता है फिर भी। एनीवेज, हाँ ये लिए हमने कॉर्न्स, ये अच्छे लगते हैं, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्लीज़ टेक इट। या आप ज़रूर ले सकते हैं एज मच एज यू कैन, इसमें कोई मसला नहीं है, एंड स्पेशली जब आप प्रोटीन के साथ ले रहे हैं। मैं गिराती, हाँ मैं गिराती बहुत हूँ भाई, क्या करूँ मैं, कभी कम किचन में काम करती हूँ ना, इसलिए ये प्रैक्टिस नहीं है इतनी। हाँ ये चिकन हो गई, अब मैं इसमें जो लेमन स्क्वीज़ किया हुआ है, हाँ मेरी टीम ने एक और बात भी बोली थी, ये भी देखें, ये लेमन स्क्वीज़र ये ज़रूर दिखाएगा, तो इससे हमने स्क्वीज़ करके कितने जदीद और कूल हैं हम। अच्छा, और तो ये जो है नींबू, देसी नींबू का रस है, लेकिन टू मच नहीं, क्योंकि मैं आजकल मेरा वैसे ही गला ख़राब हुआ हुआ है, तो थोड़ा सा बस। ये हम चोरी करके बराबर वालों से, हमने उनकी बोतल से थोड़े से चुराए हैं ऑलिव्स, ये हो गया। और अब आपने इसमें जो मसाला मिलाना है, आपको तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है, नमक ज़्यादा अच्छा नहीं लगना चाहिए लेकिन लगता है, तो मजबूरी, कभी कभी जुर्म कर लेते हैं। अच्छा ओके, सो ये ठीक, थोड़ा सा नमक अगैन एंड काली मिर्च भी डाल ही लेते हैं ये। हालांकि मुझे बड़ी डांट पड़ेगी कि आपने कितनी बदतमीज़ी सी ये सैलड बनाई है, आप हाथों को यूज़ करें, कर लूँ भाई, असल में तो घर में हम यही करते हैं, थोड़ा सा पेपरिका और मिला लेते हैं, बस कलर भी प्यारा आ जाता है। तो ये हो गया, अब आप दूसरा चम्मच नहीं है तो क्या करूँ मैं, इसी से मिलाऊँगी, ठीक है खैर है, चलो बस अब ये आप लेके बैठें और आपको ये सेटिस्फेक्शन होगी, मेरे जैसे लोगों को जो इमोशनल ईटर हैं, जो खाना खा लेते हैं एक दफ़ा बहुत ज़्यादा कभी, तो उसके बाद रिग्रेट में रहते हैं, क्यों खा लिया यार मैं, अपना वज़न क्यों बढ़ाऊँ टाइप, तो ये आपको आपका वज़न बढ़ने भी नहीं देगा और आप आराम से, मिल गया यार, मेरी टीम अच्छी है, मैं आंधी, हाँ ये देखें ना, सब कुछ रखा हुआ था बच्चों ने। ये बिल्कुल शॉर्ट्स ना लगाना जिसमें मैं ये गिरा रही हूँ, अच्छा लगा देना भले से, बताएं लोगों को कि मैं कितनी पूर्ण हूँ, ये भी नहीं आता करना सिंपल सही से। हाँ ये तैयार हो गया, अब मैं शफक ऑयल, विटामिन ए डी और ई से भरपूर है, तो थोड़ा सा मैं हल्का सा एक मैंने स्प्रे किया है, और ताकि थोड़ी बिल्कुल ड्राई ड्राइनेस ना हो ना इसमें। अब ये ले जाके मैं अपने ऑफिस में बैठूंगी और मैं जाके ये आराम से खाऊंगी, फिर पेशेंस देखूंगी, मुझे नींद भी नहीं आएगी, हशाश बशाश भी रहूंगी। टैगलाइन क्या थी, तो शफा कुकिंग ऑयल आगाज़ नई सुबह का। ये जो सैलड है ना, खाली खोली नहीं खाई जा सकती, या तो उसके साथ मैं फिजी ड्रिंक लूँ और अपना वेट बढ़ाऊँ, नो, मुझे कोई ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो रिफ्रेशिंग भी हो, सेहत बख्श भी हो, जिसमें मेरा, मेरे घर वालों का, सब लोगों का भरोसा शामिल हो। सो वो कौन सी ड्रिंक है, जी हाँ, नन अदर देन हमारे बचपन की फेवरेट
लाल शरबत यानी रू अफ़ज़ा। लाल शरबत इंट्रोड्यूस ही रू अफ़ज़ा ने कराया। ये 110 साल से लोगों का फेवरेट है और दुनिया में बनाया जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। ओके, सो रू अफ़ज़ा बना रहे हैं लेकिन लेमन वाला बना रहे हैं, साथ में यानी विटामिन सी। और आपको पता है कि इसमें बहुत सारे फलों की, फूलों की जड़ी बूटियाँ शामिल हैं, तो इसलिए ऑलरेडी कोई आपको शुगर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नेचुरल शुगर है, इसलिए मैंने कहा कि नेचुरल ड्रिंक है। ठीक, तो अब हम बनाएंगे रू अफ़ज़ा। ठंडा पानी मेरे पास है और ये तो ना कि आप बहुत सारी ड्रिंक्स में, बहुत सारी चीज़ें जब ड्रिंक बना रहे होते हैं तो डाल रहे होते हैं, ये भी डालो वो भी डालो, ये इसमें सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बॉटल लाई खोला और मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स, वो जो मुझे फिट रखने के लिए सही हैं, वो डाले। और बाय द वे, चूँकि इसमें फल फूल और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, उसका रस है, तो इसलिए माओं को ये समझना चाहिए कि अगर बच्चों को आपने बहुत ही फैटी किस्म की ड्रिंक्स पिला रहे हैं, आजकल जो बोतलों में मिल रही है या बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में मेरे अपने घर में बच्चे ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा डिस्करेज करती हूँ, क्योंकि वो जो शुगर है, जो आर्टिफिशियल शुगर है, वो उन्हें ना सिर्फ फुलाएगी बल्कि सुस्त भी करेगी। तो इसलिए ये जो नेचुरल शुगर है, ये आपको फ्रेश रखने के लिए और आपको एक्टिव रखने के लिए बिल्कुल काफ़ी है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करना है, जो कि सब ये पुराना वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं आप लेमन स्क्वीज़र को। ये लकड़ी वाला सबसे अच्छा होता है, जितने भी फैशनी आ गए हैं ना उन सबसे अच्छा। ए डन, एक और करते हैं, क्योंकि मैंने क्वांटिटी इतनी बना ली है कि मेरे टीम के दो लोग भी पी सकते हैं मेरे साथ साथ, तो ज़्यादा पावर वाली बात होगी मेरे। और ठीक है, देखिए मेरा जिम नज़र आ रहा है इसमें। ओके, सो ये हो गया। गंद मैं मचाती हूँ तो मचाने दें, खैर ठीक है। ओके डन, क्या कर सकते हैं, यकीन करो तुम लोग पी लेना, गंदा नहीं, साफ सुथरे हाथ। ये लेमन वाला रू अफ़ज़ा इसमें गया, ये गया। ऐसी ठंडक आती है ना इस शरबत को देख के, लिटरली अपना बचपन याद आता है, और कोई भी रमज़ान की टेबल इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। सो थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, आप हमें बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट दे के गए हैं, बहुत सारे और भी लेकिन ये सबसे टॉप पर है। और ये मेरी सैलड रही, ये मेरा ग्लास रहा, एक बज गया, थोड़ा सा उसमें भी तुम लोग ले लेना, मैं जा रही हूँ ऑफिस में।